Hello everybody, I'm Monica Sethi from International Institute for Spoken English and I'm back with new tips. First of all, thanks a lot for showering so much love for your likes. So keep loving us in such a way so that we may bring new tips for different modules which may help you to improve your performance. So let's start with one of the difficult tasks of reading, that is multiple choice questions. So let's start. Alright guys, as I told you, we would be discussing about multiple choice question जो बहुत सारे बच्चों को एक सबसे difficult pattern लगता है IELTS reading का. But अगर आप कुछ strategies को follow करेंगे तो this would be quite easier for you. First of all, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो multiple choice question होते हैं that can be dealt in two ways. Firstly, आपको अपनी लोकेशन जो आप कीवर्ड से ढूंढेंगे उसी के साथ आपका आंसर मिल जाएगा. सेकेंडली, हम मैच और एलिमिनेट करते हैं. समटाइम्स वी आर अनेबल टू गेट द राइट आंसर, सो इन दैट सिचुएशन वी एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस एंड चूज द राइट आंसर. सो स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. हेयर वी हैव द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रूटलेस फॉल underlines the writer's point about. Guys, मैंने आपको पहले भी बताया है कि reading में जो चीज़ सबसे ज़्यादा required होती है वो है आपके question की location. So rush मत करें, question पढ़ें और उसके साथ उसके options पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है. First locate your location. आपने अपनी location ढूंढनी है. यहाँ पर मेरे को keyword मिल रहा है fruitless fall. Alright, और सेकेंड हमें राइटर का पॉइंट लेके आना है. तो जो हमारा की वर्ड बन रहा है वो है फ्रूटलेस फॉल. सो उसको हम अपने पैराग्राफ बी में ढूंढ रहे हैं. सो बिल्कुल बी पैराग्राफ के लास्ट लाइंस में आया है. Alright, यहाँ पे राइटर का उन्होंने नाम दिया हुआ है रेचल कार्सन. वॉन्ट ऑफ अ फ्रूटलेस फॉल that could result from all the disappearance of insect pollinators. तो यहाँ पे हमें fruitless fall भी मिल रही है, यहाँ पे हमें writer भी मिल रहा है. So अब हमने क्या करना है, हमने एक idea सा लेके आना है जो हमने आगे line पढ़ी है कि fruitless fall अगर आती है वो आएगी किसके करके, फ्रॉम द डिसअपेयरेंस ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटर्स. तो हम अपने आप से इसका एक आंसर लेके चल रहे हैं कि दिस शुड बी आर आंसर. लेट्स चेक द ऑप्शंस वी हैव. अगर हमें ये डायरेक्ट मिल जाता है तो ये आपका हिट होगा. सो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन हैं. नीड्स फॉर यूजिंग पेस्टिसाइड्स, सेकेंड इम्पैक्ट्स ऑफ लूजिंग इंसेक्ट पॉलिनेटर्स, नेक्स्ट इज vulnerabilities of native bees, next is benefits in building more pollination industries. Guys, अगर आपने यहाँ पे location के बाद जो text पढ़ा है, जो हमें straight away answer मिल रहा है, that is saying disappearance of insect pollinators. और उसी का हमें answer यहाँ पे मिल रहा है. Disappearance means losing. Impacts of losing insect pollinators. So this should be our right answer, B. So यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने direct text से अपना answer उठाया है. यहाँ पे हमने match और eliminate वाली strategy नहीं follow करी है. So guys, next question हमारा जो आएगा, why can honey bees adapt to the modern agriculture system? So यहाँ पे उन्होंने question हमें जो दिया है वो कीवर्ड्स इसमें आएंगे, द मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम, सेकंड इज अडैप्ट. सो हमने यही चीज फाइंड आउट करनी है कि कहां पे हमने अपनी मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात कर रही है. ऑलराइट, सो ये हमें सी पैराग्राफ में मिल रहा है. गाइस, मुझे ये फोर्थ लाइन में मिल रहा है, अगर आप पढ़ पा रहे हैं. The honeybees has been semi-domesticated since the time of ancient Egyptians, but it wasn't just familiarity with the determined this choice. The bees' biology is in many ways suited to the kind of agriculture system that was emerging. So,
यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल सिस्टम की दैट वॉज इमर्जिंग, मतलब जो अभी इमर्ज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल टू अ फील्ड द बीज आर मिस हो गया. सो गाइज आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई कैन हनी बीज अडेप्ट टू द मॉडर्न एग्रीकल्चरल सिस्टम. सो यहाँ पे हम जिस चीज से अपने टेक्स्ट में अपने क्वेश्चन को लोकेट करने वाले हैं वो कीवर्ड्स हैं हमारे मॉडर्न एग्रीकल्चरल सिस्टम एंड अडेप्ट. सो मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात हमें इसी पैराग्राफ में मिल रही है. सो आई एम सेइंग द बीज बायोलॉजी इन मैनी वेज सूटेड टू द काइंड ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम दैट वॉज इमर्जिंग. इमर्जिंग मतलब दैट इज गेटिंग बेटर डे बाय डे, दैट इज डेवलपिंग डे बाय डे. So, for example, honeybee hives can be closed up and moved out of the way when pesticides are applied. So, they had asked us, why can honeybees adapt to the modern agricultural system? So, guys, our second question is, why can honeybees adapt to the modern agricultural system? They have asked us a reason why honeybees are suitable in modern agriculture. So we are getting the location in the C paragraph where they are talking about the agriculture system. The bees biology is in many ways suited to the kind of agricultural system that was emerging. For example, honeybees hive can be closed up and moved out of the way when pesticides are applied to a field. सो गाइज ये हमें मैंने आपको बोला था कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसके साथ जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है उसको आप रीड करके उसका इमेजिन करें कि इसका आंसर क्या आएगा. सो दे हैव आस्क्ड कि क्यों वो. ऑलराइट द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क वाई कैन हनी बीज अडेप्ट टू द मॉडर्न एग्रीकल्चरल सिस्टम. सो गाइज वी आर गेटिंग द लोकेशन इन द सी पैराग्राफ वेयर they have talked about the agricultural system. So the bees biology is in many ways suited to the kind of agricultural system that was emerging. For example, honeybees hives can be closed up and moved out of the way when pesticides are applied. All right. तो यहाँ पे हमें एक hint मिल रहा है कि honeybees कैसे अपने आप को adopt करती हैं modern agriculture के लिए. सो वो कह रहे हैं कि उनके हाइव्स को हम मूव कर सकते हैं. सो लेट्स सी क्या हमें हमारा सूटेबल आंसर मिल रहा है. द फर्स्ट ऑप्शन इज द हनी बीज कैन पॉलिनेटेड मोर क्रॉप्स एफिशिएंटली. सेकंड, द बीज आर सेमी डोमेस्टिकेटेड सिंस द एंशियंट टाइम. हनी बीज हाइव्स कैन बी प्रोटेक्टेड अवे फ्रॉम पेस्टिसाइड्स. ऑलराइट. And the last option is the ability of wild pollinators using to serve crops declines. But जो हमने टेक्स्ट में पढ़ के आए थे उससे हमें पता चला था कि उन्होंने अपने आप को कैसे सूटेबल किया है जो इमर्जिंग एग्रीकल्चरल सिस्टम है, क्योंकि उनके hives को हम move कर सकते हैं, can be closed and move to the other place. So जब pesticide use किए जाते हैं. So that's why the right answer would be C. So let's move to our next question. So guys, our next question is in the sixth paragraph, Winfrey's experiments proves that. So sixth paragraph is F. The location we are getting Winfrey here. So what did they concluded? Winfrey and her colleagues concluded and proved one and the same thing, that native bees alone could provide sufficient pollination at 90% of the 23 farms studied. By contrast, honeybees alone could provide sufficient pollination to only 78% of the farms. So guys, here we have got the ideas that the native bees were more effective than the honeybees. So let's find in the cues. The first cue says honeybees can pollinate various crops. There are many types of wild bees as the pollinators. The wild bees can increase the yield to a high percentage.
लास्ट वन इज वाइल्ड बीज वर्क मोर एफिशिएंटली एज अ पॉलिनेटर देन द हनी बीज इन सर्टन केसेस. सर्टन केसेस मीन्स इन फार्म्स. सो दिस वुड बी आर राइट आंसर. वी हैव गॉट द आंसर. दैट मीन्स वाइल्ड बीज आर मोर इफेक्टिव देन द हनी बीज. सो वी आर मूविंग टू आर लास्ट क्वेश्चन. वॉट डज द राइटर वॉन्ट टू सजेस्ट इन द लास्ट पैराग्राफ? गाइज, we have got our location, the last paragraph, so we don't need to put much effort in finding the location of our question. So we are not supposed to read the whole paragraph. First we'll need the options here, because they have just given us a location of whole last paragraph. So the importance of honeybees in pollination, adoption of different bees in various sizes of agricultural system, the comparison between the intensive and the rare field agricultural system, the reason why farmers can rely on native pollination. All right. So, of course, not all farmers will be able to implement all of these practices, and researchers are suggesting. So, उन्होंने हमें question में क्या पूछा है? सजेस्ट पूछ रहा है, तो सजेस्ट से हम अपनी लोकेशन को लेना शुरू कर रहे हैं. सजेस्टिंग अ शिफ्ट टू अ काइंड ऑफ पॉलीगॉट एग्रीकल्चरल सिस्टम फॉर सम स्मॉल स्केल फार्म्स, नेटिव बीज मे इनडीड बी ऑल दैट्स नीडेड फॉर लार्जर ऑपरेशंस. अ सूट ऑफ मैनेजमेंट बीज विद हनी बीज फिलिंग द जर्नलिस्ट रोल एंड अदर नेटिव बीज पॉलिनेटिंग स्पेसिफिकली क्रॉप्स कुड बी द augmented by free pollination services from the resurgent wild pollinators. So yahan pe suggestion they, whatever they have given, that by doing different practices the use of crop, so in this way in the text the writer is suggesting by using different type of bees. They are mentioning honey bees, they are mentioning native bees. So our right answer would be B, adoption of different bees in various sizes of agricultural system. They have also mentioned small farms, large farm. So in this way guys, by using these techniques you can improve your score in multiple choice question. Hope the tips I've given you will be helpful to you. Thank you.